कॉल की सानू वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी। भुपिंदर सिंह बाई जी खड़े ने एस एस साहब इधर करन यानी कि बहुत सारे लोग जो खड़े ने इन्होंने सारे ने सानू कॉल की वीडियो बना के भेजी। इतने एक भैन नगन अवस्था च पई सी आ बिल्कुल बिना कपड़िया तो अल्फ नंगी ये भैनों ने कपड़े पवाए आ अपने घरों लिया के कदों दी सर इतने पई कुड़ी पांच दिन तो इतनी पई है जी कपड़े अच्छा जी मेंटली अफेक्टेड है जी कपड़े पाड़ते दोपहरे कल इन्होंने पानी कितने पाते गर्मी बहुत ज्यादा तो कपड़े भी सारे ला पाड़ लेने फिर बाद यानी कि कपड़े तो बिना कल दिया मुंडियां कला चंडीगढ़ रोड के उपर इतों की हजारा नहीं लखा ही लोग निकलते हर रोज इतों की लखा ही कल की तो वीरे होनी दसते हैं भी मतलब चौबी घंटे तो वध समा हो गया बिना कपड़िया तो पई है भैन एक इंसानियत के नाते सरदार भुपिंदर सिंह जी उन्होंने भी साडे नाल संपर्क किया करणवीर ने भी किया होर भी वीर ने जी कैप्टन सरूप सिंह जी उन्होंने भी किया सानू वीडियो बना के भेजी दस्या यह भैन जी उन्होंने घरों लिया के धन्यवाद भैन तेरा बहुत अच्छा भी मुलाजम ठीक है ये भी मुलाजम ने इन्होंने लिया के कपड़े पवाए आ पर साडा सिस्टम एग्जस्ट नहीं करता असीं कुछ कर नहीं पा रहे हुण जे सारे चाहुण वी इहनूं किसी जगह ते छड्डे आईए इदां दी कोई स्पेस ही नहीं बनी हुई जिथे असीं घट्टो घट्ट इस भैण नूं जाके छड्ड सकीए पर साडे पता नहीं किहड़े चंगे कर्म आ वी जिहड़ी बाबा जी ने सानूं ड्यूटी लाई आ आपां इहनूं भैण नूं पुछदे आ मिलदे आ इहदा चेहरा पछाणिओ जे कोई दस सकदा जे इहनूं कोई पहचानदा वा तां संपर्क करिओ भैने की नाम तेरा दीदी क्या नाम है एक चेयर मंगाए कुर्सी जी तो कुर्सी फड़े तो कुर्सी एक भैने पानी पीला पानी पीला तुम पिलाओ भैने लेडीज नु कर दो देखो साडे टीम के मैंबर आए ने हरजीत भैन जी आए ने नाल ते वाहेगुरु कृपा करन इस भैन का सानू घर बार लभ सके इहदा परिवार का पता लग सके ते नहीं तां अज इंसान की हालत इस तरह की हो गई आ वी असीं एक जानवर तो भी बदतर जीवन बतीत करदे आ उपर बह जाओ भैने कुर्सी ते बह जाओ भैने इत्थे बह जा चेयर ते बह जा हां भैने की नाम तेरा पिछे मारी रबड़ जी पा दो रबड़ पा दो इस भैन का घर परिवार लभण विच साडा सहयोग दिओ इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो तां जो कैप्टन सरूप सिंह भुपिंदर सिंह करण सिंह होणा वल्लियों भैण की नां तुहाडा नवतेज कौर भैण वल्लियों इह कीता होया उपराला सफल हो सके। देखो इंसान का फर्ज आ अपना कर्म करना भगवान का सच्चे पातशाह महाराज का साडे ते जदों मेहर भरिया हथ हुंदा उहदा फल मिलदा इस कार्ज के वास्ते असीं अपने आप नूं बड़भागे समझदे हां भी सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी ने सानूं चुणिया सानूं इह ड्यूटियां बख्शियां भी इस तरह दीआं भैणां साडीआं मावां बच्चे बजुर्ग नौजवान वीर जिहड़े सड़कां ते रुलदे आ उहनां दी असी एक कणका मात्र भी सेवा कर सकी साडे सुपनियां दे घर विच लुधियाने शहर के बाहरले पासे पिंड हसनपुर दे विच असी इस भैण नूं लैके जा रहे हां उते इहदा दिमागी संतुलन आ भैण दा इस टाइम बहुत ही ज्यादा अपसैट आ ट्रीटमेंट शुरू होऊगा ठीक हो के भैण अपना घर बार एड्रैस दसण योग हो जाणगे उस तों पहलां जे तुसीं दस सकदे हो जे जाणदे पहचाणदे हो चेहरे नूं तो तुसी भी साडे नाल जरूर संपर्क करो। हाँ जी हाँ जी भाई जी आइए 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 बहन आ जाओ अगे डरो मत
जानते हो आप इसको? जानते हो इसका घर वाला? वहाँ ड्यूटी करता है वहाँ बर्मा ठेकेदार में। कहाँ पे? बर्मा ठेकेदार में। बर्मा ठेकेदार? हाँ जी। वो कहाँ पे बर्मा ठेकेदार? पड़ता है जेके में। जेके स्टेट में? जेके स्टेट में है। इसका घर बर्मा ठेकेदार है। सुनिए, पहले इस गली में रहता था ठीक, तो दूसरे गली में यहाँ से जब लाला बोला कि यहाँ से खाली कर दे भाई, तो खाली करके पता नहीं इधर ले लिया किधर। कोई बंदा है जरा को उसके घर को जानता होगा? मैं गाड़ी में लेके वाला है। उसका घर वाला से आप बात करिए। नंबर है उसका आपके पास? हमारे पास नहीं है। लाला के पास आप जाइए, लाला के पास चलिए। मैं आपके पास नहीं कौन लाला देखिए बेटा, नंबर नंबर है। अरे नंबर है कुड़ी कोड़े उसने था तो कहा हम लोग को पता। उसने आप अपने आप छोड़ दिया इसको? इसको तीन बच्चे भी हैं। अच्छा, तीन बच्चा भी इसका। क्या नाम है इसका? इसका नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या नाम है बेटा इसका? दीदी का नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, इसके पति का नाम क्या है? इसके पति का हसीफुल नाम है। क्या? हसीफुल। हसीफुल यूपी से है या बिहार से? बिहार से। बिहार से है। हाँ, इस पास से तो बहुत ज्यादा। कोशिश करता रहा नहीं पता लगता। जी जी, चलो ये कुदरत मिल गई आप। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਨਾ, ਬਰਮਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੇ ਸਟੇਟ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚ। ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹਸੀਫੁਲ ਕਾ? ਅਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਲੱਕੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। हेलो हसीफुल, हेलो हेलो, कौन हसीफुल बोल रहा है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं हसीफुल से बात करना है। उसी का नंबर है? नहीं, दूसरे का नंबर। किसका नंबर है? उसी का नंबर है। हम पूछ रहे हैं, उसकी घरवाली के पास खड़े हैं हम लोग, ये थाना से भी खड़े हैं पुलिस वाले अंकल यहाँ पे, आप बात करवाइए उसके साथ हमारी। नहीं है, वो चला गया। कहाँ चला गया? हिमाचल। कहाँ चला गया? हिमाचल। नहीं, अपनी घरवाली को और बच्चे बच्चे कहाँ पे उसके? गांव में। गांव कहाँ सा है? कटिहार जिला। कटिहार जिला? हाँ जी। और उसका फोन नंबर दीजिए आप, फोन नंबर बोलिए आप। उसका फोन नंबर, वो सिम तो मेरा लगा कर रखा था तो मैं सिम ले लिया, वो जाएगा तब वहाँ लगाएगा तब ना पास करेगा। कब कब गया वो जी? कल गया। कल तो घर वाली को इधर ही छोड़ गया? हाँ जी, नहीं गया तो उसको क्या करता, उसको चेक करना वो मरता नहीं, उसका मार रहा था सर। उसका इलाज करवा सकता था, हॉस्पिटल में दाखिल करवा सकता था उसको। छोड़ दो, करवा दो आप, तो पुलिस आइए गया तो करवा दो आप ही सब। नहीं, हम तो करवाएंगे, पर घरवा एक मेंबर परिवार का चाहिए, हम इलाज करवा देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, पर परिवार का एक मेंबर का साथ चाहिए हमें। नहीं अंकल, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को देखा कपड़ा उपड़ा सारा फाड़ मारा है ऐसे, मैं नहीं जाऊंगा। उसको हम संभाल लेंगे, पर आपका साथ चाहिए बस। नहीं, मैं नहीं जाने वाला। आपका क्या लगता है हसीफुल? हसीफुल क्या लगता है आपका? देवर लगता था। देवर? हाँ जी जी। आपकी दरानी है? हाँ जी। तो आपका और कौन है जहाँ पे? और कोई नहीं है, मैं अकेले थी। नहीं, इसका जो आपका घर वाला है वो कहाँ पे है? मेरा घर वाला कमरा पर होगा। कमरा पे गया है। ओके, गांव कौन सा है आपका वहाँ पे? कटिहार। कटिहार तो जिला है ना, गांव का नाम? गांव का नाम है वैसे तो बरसोई। कौन सा? बरसोई। बरसोई बरसोई। इस लड़की का नाम क्या है? मुन्नी। मुन्नी, ए मुन्नी, ये तेरी जेठानी से बात करो, ये तेरी जेठानी है। आपका क्या नाम है बहन जी? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। सरिता से बात करो, बात करो बेटा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे बेटा, हम तेरे को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना। अपनी अपनी जेठानी से बात कर लो बेटा एक बार, ये बिल्कुल बिना कपड़े के सड़क के ऊपर पड़ी है ना, बिना बिल्कुल कपड़ों के बिना। वैसे किया था तो देखा अंकल, मैं 9-10 बजे रात तक झंझर काटा, तब मैं गया कमरा भाग कर।
जी मेरे को रोड पर दौड़ा दिया था, मार रहा था। बेट, आप बहन जी पुलिस के पास चले जाते, कहीं तो जाते आप, इसका कोई इंतजाम तो करते आप, आप इसका कुछ नहीं करूंगा अंकल जी, अब छोड़ दो उसको, मरना है जीना है वह पर रहेगा, यहीं पे छोड़ दें हम भी, छोड़ दो। आपके पास इसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड मिल जाएगा इसका? नहीं, कोई आधार कार्ड मिल जाए हम इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते हैं। ऐसे ऐसे दाखिल करवा दोगे, लवारिस रखे हम इसको, लवारिस कर दे। नहीं, आपके पास इसका कोई आधार कार्ड वगैरह होगा, कोई वोटर कार्ड होगा? नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। बहन जी आप जैसे बोल रहे हो, रोज जाता है, रोज जाता है, रोज जाता है, उसको कोई लाच नहीं है। नहीं बहन जी ऐसे मत बोलिए, आप इसको लवारिस छोड़ दो, मरने दो इसको, ऐसे क्यों मरने दीजिए, भी इंसान है ना। क्या करूं अंकल, बहुत मैं रोको जितना किया है ना, दूसरा रहता है ना तो कोई नहीं कर पाता है, अपने भी बच्चा भी उसका है ना जी, मेरे अलावा वो वहाँ पे रह रहा है, जिस साल मैं भी, हम वही बोल रहे हैं, हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हम एनजीओ से आए हैं, हम मदद करेंगे, इसका इलाज करा देंगे, आपका साथ चाहिए बस। नहीं मैं ना जाऊंगा, मेरे को तो भी तीन बच्चा है, दो घर वाला घर वाला है, दो तीन बच्चे आप, है, आप साथ मत जाइए, मैं उसको पीछे जाऊंगा, मेरे को मारने लगेगा, आप इलाज कराओगे, मेरे ही को मार डालेगा वो ट्रेन में, नहीं, नहीं, हम गाड़ी में, हम इलाज करवा लेंगे बहन जी, जाओ आप लेकर बात खत्म, बस आप एक बार इधर आ जाइए एक मिनट, हम ले जाएंगे। नहीं अंकल मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं जाएगा ना, मेरे को वो सामने देखेगा, जिसका पति है जो, वो आपके साथ रहता है अब? नहीं। हाँ जी, नहीं रहता है, वो चला गया घर अपना। जी मोहल्ले वाले लोग बोल रहे हैं वो आप ही के साथ रहता है। नहीं रहता था, अब नहीं है, इसीलिए जो परेशान हो गया लड़की, आगे चलो चलो कमरे भी चलो, कमरे भी चलो, चले वहाँ भी चलो, तब पर भी बात नहीं माना, तो उसको छोड़ कर चला गया, लेकिन मर लेते। अच्छा, इसीलिए छोड़ के चला गया वो? हाँ। बहन जी इसके तीन बच्चे हैं, इसका पति का फर्ज बनता है इसको आके संभाले, ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता है। लवारिस संभाला बोला ना अंकल जी, उसको लवारिस में घोस दे तो हो गया बात। ये तो किसी गलते नहीं आ रहे जी, इन्होंने तो नंबर नोट करो प्लीज, इन्हों का 82 नंबर है, वेखो जी किदा का है ना, होर कल युग चल रहा, इस लेडी का जोड़ा हसबेंड है पति आदा फोन एक होर लेडी चक रही है, वो कह रही है भी वह तो हिमाचल चला गया, भी वो नहीं आऊगा हूं, ये मरे जीवे छड़ दो इनू, इतने इसको छोड़ दो आप, ये बच्चे कितने आ, बच्चे हमारे पास है, गांव भेज दिए हमने, ये कौन है, हमारा कुछ नहीं लगती, जीए मरे हमें कुछ नहीं है। देखो वो बंदा कोले ही आ, क्योंकि वह फोन नंबर वो कोले आ, मतलब वो उन्हें कितने जाना होर, पर अज दुख की गल यह भी अज के इंसान की कीमत, अज के इंसान की वैल्यू, अज के इंसान के बची हुई जी इंसानियत किस लैवल तक चलेगी, आ इन तस्वीर देख के सानू भली भात दिखाई दिता, सानू समझना चाहिए सानू अपना फर्ज, ये भी वो लोग ने जिहड़े अपने फर्ज नूं पछाण के इत्थे खड़े ने, ते वीरे उन्हीं ड्यूटी तो उपर उठ के ड्यूटी निभा रहे ने, भैन उन्हीं ड्यूटी तो उपर उठ के ड्यूटी निभा रहे ने, नहीं तो इन्हां दे भी महकमे दे विच बहुत सारे लोग सी जिहड़े देख के चले गए, ये भी जा सकते सी की करना इत्थे, पर सवेर दे खड़े असीं अज बाहर सी किते, साडे नाल करीब मिलना दा भी 11-12 बजे की गल चलती है, 11-12 बजे दा साडे नाल रास्ते च ने वीरे होणी, बार बार साढ़े ना कॉन्टैक्ट कर रहे ने, इत्थे कोले खड़े ने, इत्थे ही आसे पासे रह के इन्होंने 5-7 घंटे साड़ी वेट की, भैन उन्होंने सद के ये कपड़े पवाए, इन्होंने मुन्नी आ, ये मुन्नी दी कोई वैल्यू नहीं, इत्थे परदेसी आ, बिहार तो कटिहार जिला दसदे आ,
उतो ब्याह के इतने ले आया परदेसी तीन बच्चे हो गए बच्चे भी वापस पिंड भेजते हैं आप भी वो छड़ के परे हो गया इतों के जोड़े लोग दसते ने गल भी ये हसबेंड ने अगों किसी होर लेडी दे नाल रहना शुरू करता जिहड़ा दिमाग दे उत्ते असर मुन्नी दे पिया क्योंकि चाहे जिद्दां भी मर्जी है साडे देश दे विच भारत देश दे विच साडियां मावां ते भैणां नूं एक संस्कार जिहड़े मिलदे आ उह हमेशा अपने पति दे लई जीणा ते मरना उहदे नाल ही मरना ते उहदे नाल ही जीउणा पर अज इस मर्द प्रधान समाज दे विच इन्हां साडियां धीआं नूं इन्हां भैणां नूं चाहे परदेसां नाल चाहे जो भी मर्जी है तां इंसान ही है तां भी एक उस रब की रूह अज नूं असीं मनदे आ इहदे विच भी उही रब वसदा जिहड़ा साडे अंदर आ असीं क्यों इह चीज़ां भुल जांदे आ इत्थों दी गुजरन वाले लोग पता नहीं किन्नियां अखां ने इस भैण नूं कल दे कल शाम दी इह बिना कपड़ियां तों बैठी आ किन्ने लोगों ने देखा किन्नी धुप सी बाई उन्हें दस दिया अज हुण दुपहरे इन्नी ज्यादा गर्मी सी असी दस मिनट भी नहीं खड़ सकते उस गर्मी इस जगह से नगन अवस्था च पई सी भैन बिल्कुल बिना कपड़े जे कोई पाउंदे सी कपड़े फिर ला दिंदे सी इहदे पिछे भी एक लॉजिक आ असी अगे भी अपनी वीडियो च दसदे हां इस तरह दी अबला नारी जो सड़क से दिमागी अपसैट होकर इस तरह के हालात पहुंच जांदियां रात का जो नेरा हुंदा इन्हां नूं गिरद इन्हां नूं वो घटिया वो दरिंदे आके नोच नोच के खांदे आ ते दिन चढ़दे नूं वो दरिंदे छड्ड के भज जांदे आ इस तरह यह वर्तारा पता नहीं किन्ने दिनों तों इस भैण नाल चल रहा हो अज यह बिना कपड़िया तो नहीं सी पई यह बेइज्जत हुई साडी छोटी भैण साडे मूंह ते चपेड़ मार रही सी सानू शर्म आनी चाहिए असी इस समाज का हिस्सा वा साडे मॉरल वैल्यूज ने साडियां जिहड़ियां उन्हां नूं पछाण के हर एक बंदे नूं अपना फर्ज समझना चाहिए जिदा जिन्हां भैणां ने समझिया वीरे उन्हां ने समझिया जे सारे लोग इस तरह की सोच रखन तां साडियां धीआं नूं इस तरह रौलना ना पवे साडियां भैणां नूं इस तरह रौलना ना पवे ते असीं हुण भैण नूं अपने नाल लैके चलने आ वाहिगुरू कृपा करन सच्चे पातशाह दे घर वाले नूं समत बख्शन इहदे परिवारक मैंबरां नूं अकल बख्शन उहदा साथ देण जब तक साडी ड्यूटी लाई है वाहिगुरू जी ने उन्हां नूं कोई अल्लाह कोई राम कोई भगवान कोई वाहिगुरू जी के नाम ना जानते ने तो असीं पूरी कोशिश करांगे इस भैण नूं उत्थे एक चंगा रहण नूं चंगा इलाज खाण पैण नूं पहनण नूं मिल सके अरदास करियो इन्हां वीरां दा कीता होया है जतन निपरे चढ़ सके ये भैन ठीक होकर एक चंगा जीवन बतीत कर सके अपने बच्चों च रह के उन्होंने चंगा पालन पोषण कर सके चलो भैने मुन्नी चलो बहन फड़ो भैने तीन मुंडे ही अच्छा बच्चे इतने ही आ बच्चे यहीं पे हैं बच्चे देखते हैं इसके साथ मराते ले गए गंदे पापा के लिए छीन के लेके चली गए इसको इतना मारे इतना नंगट बना देते मार मार इसके पति ने मारा हाँ पति मारता तो असर कोई नहीं मारते इसी बिस्कुट बिस्कुट देते वही खाते पति ये क्या पाते हैं और कोई नहीं मारते एक इसकी अभी बात हुआ हमारा जेठानी से वो बोलता है इसका पति चले गया हिमाचल काम करने अच्छा वो लड़की के साथ है वो रह रहा है जी बिठाओ गड्डी भेने क्या चलो चलो मुन्नी बैठो
ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੋਲਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਬਹਿਣ ਆਪ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੁਕੋ ਬਿਠਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰਾਜੂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਓ आपका नाम क्या है पहले तो आपका सुधीरा बहन बहुत धन्यवाद आपको कुछ पता चले इनके बारे में इसके पति के बारे में तो प्लीज आप हमें नंबर आप हम आपका आपको नंबर देते हैं अपना मगर ये अगर कोई पता लगता है इनको बता देना हम अपना कार दे देते हैं एक मिनट बने लाइट डाल एक मिनट बच्चे बिछड़ जाएंगे तो ऐसा होगा हाँ जी कार दे कार देगा बता दोगे कुछ ना कुछ समस्या का हल कर दे गली में आए आपको कुछ पता चले आपका नाम नहीं आगे आएगा आपने बताना है बस हाँ हमारे नंबर पे फोन करके बताना मुन्नी जो आप मुंडिया से लेके गए थे उसके बारे में जो भी आपको मिलेगा इनको बता देना आप यानी कि इसको जो कपड़े वपड़े फाड़ के इसका वो घर वाला ही गया है लब में दरबार जी तुम अपनी ड्यूटी निभाओ ठीक है भाई जी शुक्रिया जी जाना बहुत शुक्रिया भाई जी बहुत ज्यादा शुक्रिया हाँ जी मैं तुम दसदा करदा भुपिंदर सिंह जी तुम भी माड़ी कर दो साइन अपना नंबर पा दो नाले साइन मार दो आज भैन नवजोत भैन तुम भी कर दो बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भैने बहुत शुक्रिया भैन अच्छा लभन भी गए थे शुक्रिया मेरी भैन वाहेगुरु जी ठीक है मैं नंबर भी इस थले पा लेंगे अपना सानू जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले अभी तुम दसांगे जे तुहानू मिलदे तुसीं साडे नाल साझी कर लो हां जी अरे थैंक यू भैणे थैंक यू वीर जी थैंक यू जी थैंक यू कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया तुहाडा ठीक है भाई जी सत श्री अकाल नहीं नहीं कोई गल नहीं राजू दे साइन कराओ जेड़े हो आयो राजू भाई जी आ जाओ सारा कुछ राजू वीरे बहुत शुक्रिया तेरा भाई भरावा मेरा किन्ने फोन कराए ने इत्थे मोबाइल नंबर असीं अज बाहर सी वीरे जदों ही आए हैं सीधे थोड़े को नहीं आए हैं सारा पानी पुनी है पूरा पलाया नंबर मैं देख रहा अज गड्डी च पा लिया हजे भी देखो किवें रोई कलाई जांदी है भैन सच्चे पातशाह कृपा करे तंदुरुस्त हो जाए वो ठीक हो जाए रोंद 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 बस गुरु की कृपा दे नाल इहदा परिवार नूं समत बख्शे वाहिगुरु फिलहाल तो हुण जिहड़े इहदे घर वाले दे नंबर नाल साडी गल होई है फोन ते उह कोई लेडी चक रही है वो लेडीज भी दसदे आ वी उहदे करके ही भैन दी हालत बणी है ते इत्थे हुण सानूं इक लेडीज मिली उहने भी इही कहा वी इहदा पति होई इहनूं कुट के छट के गया बच्चे खो के लै गया वो उदों दी सड़क पर ही पई है बस अरदास करो ये सब कुछ ठीक हो जाए
मुन्नी अपने बच्चों से जाए अपने परिवार बाकी बहुत शुक्रिया उन्होंने वीर का जिन्होंने सानू दसिया उपराला करने इस सेवा के सहयोग दिता मैं खिच के कर दीरे कर अगे चलो जी आप बजा रहा करो माड़ा जहा हाँ जी ठीक है भाई जी वाहगुरु जी का खालसा आरती फाड़ा अले जी का उसके पति से जो बात हो गया तो हमारी बात करवा